तो लो भाई, कौन कहता है यार YT स्टूडियो बार बार ओपन करने से चैनल डेड होता है। देखो पहले कितनी बार मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो पहले क्या चैनल डेड हो रहा है, इतना बार ओपन करूंगा भाई। देख लो यहाँ पर कंटेंट एनालाइज में मैं जा करके बार बार जाता हूँ। बहुत लोग भाई वीडियो बनाए हैं, बोल रहे हैं कि बार बार यूना YT स्टूडियो ओपन करने से चैनल डेड हो जाएगा। क्या होगा, सच में होगा कि नहीं होगा, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो भाई क्या आप लोग बार बार YT स्टूडियो ओपन करोगे व्यूज कम हो जाता है, चैनल डेड हो जाएगा? देखो देखो पहले देखो मैं कितनी बार ओपन कर रहा हूँ YT स्टूडियो अपना। क्या यहाँ पर देखो, कहाँ पर जाओ बताओ, कंटेंट में जाओ, एनालाइज में जाओ, क्या करूँ बताओ जल्दी से। पहले यहाँ पर मैं बार बार कुछ भी जा करके इतना बार भाई ओपन कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते भाई YT स्टूडियो ओपन करने से बार बार चैनल डेड हो जाता है, तो देखो पहले मैं कितनी बार ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हो ना। देखो भाई पहले देखो मैं कितनी बार ओपन कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप लोग के पास भाई एक YouTube चैनल होगा तो भाई आप लोग YT स्टूडियो एप्लीकेशन को तो यूज करते ही होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि विनय भाई अपने YT स्टूडियो को भाई दिन भर में कितना बार ओपन करना चाहिए, क्या दो बार ओपन करना चाहिए या तीन बार करना चाहिए, क्या ओपन ही नहीं करना चाहिए? क्या दोस्तों आपका YT स्टूडियो बार बार ओपन करने से क्या आपका चैनल डेड हो जाता है? आज के इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आप लोग क्या गलती करते हैं जिससे आप लोग का चैनल ग्रो नहीं होता है, और क्या YT स्टूडियो को दिन में अगर 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार या 50 बार भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा ओपन करते हो तो आपका चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा, आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। बाकी आप लोग YouTube पर बहुत से वीडियो भाई देखोगे, इधर से उधर बना देते हैं, आपको वहां पर कुछ नहीं समझ आता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि YT स्टूडियो का भाई यूज कैसे करते हैं और YT स्टूडियो को भाई क्या यूज करने से आपका चैनल डेड होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आप लोग अच्छा आप ही बताइए कि YT स्टूडियो जो एप्लीकेशन है भाई आखिर वो क्यों दिया गया है? YT स्टूडियो आपके चैनल को भाई YouTube चैनल को आपके मैनेज करने के लिए ही दिया गया है ना, तो भाई इसमें क्या बात है कि भाई YT स्टूडियो अगर आप लोग बार बार ओपन करते हो तो आप लोग को दिक्कत होगा? ऐसा भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग आप लोग को भाई बेवकूफ़ बनाते हैं व्यूज लाने के चक्कर में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि YT स्टूडियो भाई ओपन करने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपका चैनल डेड हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको YT स्टूडियो भाई यूज करना ही नहीं होता तो भाई YT स्टूडियो क्यों दिया जाता? YT स्टूडियो इसलिए दिया जाता है कि भाई आप लोग अपने चैनल को मैनेज कर सको, पूरा अपने YouTube चैनल का एनालाइज को भाई देख सको कि कितना व्यू जा रहा है भाई, आपका चैनल का जो आपका CTR है वो कितना डाउन हो रहा है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना है, उसके बाद आपका जो थंबनेल का जो आपका टॉप 10 आता है भाई वो सही है कि नहीं, और उसके बाद आपका टॉप 10 वीडियो में भाई आपका YT स्टूडियो में जो आपका वीडियो ना वो रैंक कर रहा है कि नहीं, सब कुछ वो सब पता ही करने के लिए दिया गया ना। आखिर YT स्टूडियो दिया ही नहीं जाता तो आप लोग बताइए, अच्छा कि YT स्टूडियो अगर ना देता तो आप लोग अपने वीडियो को भाई कैसे एडिट करते, ये बताइए। आप लोग उसको एडिट कर पाते बाद में जाकर कि भाई उसको डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है, टैग लगाना है, उसके बाद आप लोग कैटेगरी भी चेक कर सकते हो ना, इसलिए भाई YT स्टूडियो को आप लोग यूज कर सकते हो। और भाई जितने लोग बोलते हो ना यार YT स्टूडियो को दिन में 3 बार ओपन करना चाहिए, 4 बार ओपन करना चाहिए, तो इस पर चलिए थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों YT स्टूडियो को आप चाहे दिन में 3 बार यूज करो, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार खोलो, उससे भाई कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप लोग को एक चीज ध्यान देना है कि आपको YT स्टूडियो में जा करके मान लीजिए आपका व्यूज नहीं आ रहा है तो भाई उसको तुरंत आपको चेंज नहीं करना है, उसी टाइम आपको नहीं चेंज करना है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए और तुरंत आकर के भाई 3 मिनट या 5 मिनट के बाद YT स्टूडियो में चेक कर रहे हो कि व्यूज कितना आ रहा है, तो वो भाई आपका गलत नहीं है। अगर आप लोग उसी समय अपने टाइटल को चेंज कर देते हो या डिस्क्रिप्शन या टैग को कट कर देते हो, ऐसा बार बार आप चेंज करते हो फिर उसके बाद सेव करते हो, तो भाई आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका जिस टाइटल पर पहले आप वीडियो YouTube पर अपलोड किए थे वो रैंक कर रहा होगा, तो आप लोग एक गलती अगर कर देते हो तो भाई आपका चैनल बता रहा हूँ 100% डेड हो जाएगा और आपका वीडियो वहीं पर फ्लॉप हो जाएगा। तो भाई ऐसा गलती आपको नहीं करना है यदि आप लोग करते हो। तो भाई ये तरीका था आप लोग YT स्टूडियो को दिन में कितना बार ओपन कर सकते हो, तो इसका आप लोग का डाउट क्लियर हो गया है। तो आप YT स्टूडियो चाहे दिन में कितना भी बार यूज करिए उससे भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप बस वही जो मैंने पॉइंट बताया कि आपको अपने टाइटल को छेड़खानी नहीं करना है। मान लीजिए आप आज वीडियो डाल दिए उसके बाद आपका नहीं गया, 2 दिन के बाद आपको जा करके उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका है। अगर आपको वो नहीं पता है तो विनय से चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ
YouTube पर ग्रो कैसे किया जाता है, क्योंकि भाई आपको पता होगा ये मेरा YouTube चैनल 2 साल से भाई मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो 3 साल का मेरे पास भाई एक्सपीरियंस भी है YouTube का। तो आप लोग को अब पता चल गया होगा कि भाई अब अपने YT स्टूडियो को दिन में कितना बार ओपन करना चाहे, चाहे जितना बार ओपन करिए उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ऑफ ही क्लास होगा। कैसे, अगर बार बार आप YT स्टूडियो भाई ओपन कर रहे हो तो भाई यूट्यूब का वीडियो बनाने का जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग बनाएंगे उसका टॉपिक कहाँ से लाओगे, अगर उसी में मस्त रहोगे दिन भर व्यूज नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं है तो भाई नेक्स्ट टॉपिक तो बनाओ तब तो व्यूज आएगा ना। तो भाई इस तरीके से आप लोग को कहा जाता है दिन भर में आपको YT स्टूडियो बार बार नहीं ओपन करना चाहिए, इससे आप ही का नुकसान है। इसका नुकसान का फायदा मैं बता दिया, अगर आप व्यूज देख रहे हो आप डीमोटिवेट हो जाएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग बार बार व्यूज मत देखो, अगर एक दिन के बाद नहीं आ रहा है उसके बाद अपने टाइटल को और टैग डिस्क्रिप्शन को थोड़ा चेंज कर देना, थंबनेल को थोड़ा चेंज कर देना, उसके बाद देखना आपका व्यूज 100% बढ़ेगा। ऐसे करने से आपके यूट्यूब वीडियो का इंप्रेशन बार बार फिर से दोबारा यूट्यूब भेजता है। तो भाई ये तरीका था, आप लोग यूट्यूब स्टूडियो को दिन में चाहे जितना बार यूज कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग का डाउट जो है वो भाई क्लियर हो गया होगा कि अपने YT स्टूडियो को दिन भर में कितना बार ओपन करना चाहिए, क्या बार बार देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो इस भ्रम से आप लोग निकल जाइए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।